ये है दिल्ली दर्पण। पुलवामा हमले के बाद जहां देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं बल्लभगढ़ सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में भी लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। जितेंद्र शर्मा की उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों को नमन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहरवासियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जितेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी भी वही उम्मीद है जो एक हिंदुस्तानी नागरिक की होती है। जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकलवा रहे हैं। ये कैंडल मार्च हमारा संजय कॉलोनी, सोना मोड़ और अपना जो भी कॉलोनी आती प्रवृत्ति कॉलोनी, आज जो पूरे हिंदुस्तान में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे 42 जवानों की शहीदी हुई। शहीदी आज तक के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शहीदी है, जो टेररिस्टों ने हमला करके हमारे जवानों की हत्या की है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा और शहर। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर